हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th का फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हम ना देखिए लेक्चर नंबर 6 लिखे हैं, इससे पहले हमने 5 लेक्चर देख चुके हैं इसके पहले, और उसमें हमने बहुत सारे प्रकाश से संबंधित बातें बताए हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए और फिर इसको देखिएगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। क्योंकि वैसे भी आज इंटरेस्टिंग टॉपिक ही पढ़ने वाले हैं। देखिए एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। इसका नाम है अवतल दर्पण में सी निकल इक्वल टू आर बाई टू। आप जानते ही होंगे कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम अवतल सिद्ध करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसके बाद उसमें हम उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे इक्वल टू आर बाई टू। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कैसे इसको सिद्ध किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, एक तो हमें अवतल दर्पण है, तो हमने लास्ट वीडियो में बताया है कि कैसे अवतल दर्पण होता है। ये सारा चीज जितना हमने फिगर बनाया है वो सारे बातों को आपको पहले ही हमने बता दिया है। तो ये अवतल दर्पण है, इसका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। और ध्यान समझिएगा इसका हम नाम दे देते हैं MN, जो कि एक अवतल दर्पण हो गया। अब यहाँ पर फोकस, यहाँ पर ये ध्रुव, और यहाँ पर सी मीन्स वक्रता केंद्र, जो कि मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हमें आपको ये बताया है कि अगर कोई भी किरण दर्पण की, जब फोकस की डेफिनेशन मैंने आपको समझाया था, तो उस समय बता रहा था कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है, तो परावर्तन के बाद वह हमेशा फोकस से होकर के गुजरती है। तो देखिए मुख अक्ष के समांतर आ रही थी, तो परावर्तन हुआ, तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के वो गुजरी। इस जहां पर वो आपतित हुई ना, जिस बिंदु पर, उस बिंदु को हमने ओ कह दिया। इतना क्लियर है? फिर देखिएगा आगे। उसके बाद ये बात आपको पता है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो इसके बीच जो कोण बनेगा उस कोण का नाम होगा आई। और ध्यान समझिएगा, फिर ये देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं आर। ये बात आपको तो पता है, मैंने बार बार इस बात को बताया भी है। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। जैसे इस तरीके का एक त्रिभुज है, इस तरीके का कहीं पर फिगर है, थोड़ा गणित में जाते हैं, कहां गणित में, तो ऐसे में अगर ये आई है तो आपको पता है ये वाला भी आई होगा। ये प्रॉपर्टी क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, एकांतर कोण का प्रॉपर्टी है ये। कौन सा कोण? एकांतर कोण का ये प्रॉपर्टी है, तो जो कि आपने क्लास 9th में इस बात को पढ़ा था। तो अगर ये आई है तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार ये भी आई हो जाएगा। इतना क्लियर है? बहुत अच्छा। अब ध्यान दीजिएगा, इस किरण का नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ए और इसको बी। अब ध्यान से देखिएगा, रटना नहीं है, समझना है। कैसे समझेंगे? ध्यान से इसको लिखना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अच्छा से लिख दिए ना, तो आपका 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा। और लिखना रटकर नहीं है, समझ करके। अब ध्यान समझिएगा, आपको मैं बताया हूं कल ही कि PMF के बीच की जो दूरी होती है ना, उसको मैं फोकल दूरी हम कहते हैं। बात मालूम है? और ये भी बात बताया है, सी से जो पी तक की जो दूरी होती है उसको हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे मैंने आपको क्या समझाया है। तो अब हम कह रहे हैं ना, आगे लिखना है, क्या लिखना है समझिएगा, ध्यान समझिएगा दोस्त। अब आगे लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। दैट मीन्स इसका मतलब ये ना कि हमने क्या क्या इसमें किया, इस बात को लिखना है। तो अगर आपने ना इस बात को लिख दिया, जैसे जैसे फिगर बनाए हैं वैसे वैसे, तो लिखना है, लिख दिया तो 5 नंबर वैसे ही मिल जाएगा, पर पक्का है इस बात का। ध्यान दीजिए, क्या किए सबसे पहले आपने, तो एक MN नाम का एक अवतल दर्पण लिया, तो क्या लिखेंगे, माना कि MN एक अवतल दर्पण है। मैं लिखूंगा नहीं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं एकदम स्लोली बोलूंगा। ठीक है, देखिए माना कि MN एक अवतल दर्पण है। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद क्या लिखी गया, लिखिएगा जिसका, इसका नाम दे देते हैं इस तरीके से और आगे बढ़ाए। तो सपोज ये एक्स है और ये वाई है, तो लिखिएगा जिसका एक्स वाई प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है, एवं ध्रुव पी, फोकस एफ, एवं वक्रता केंद्र सी है। इतना लिख सकते हैं आप इजिली, आपको तो लिखने आएगा ही। अब फिर क्या लिखिएगा दोस्त, लिखिएगा ए ओ आपतित किरण है,
था ओसी। अब देखिए ओसी लिखना है, बीओ कभी नहीं, ओ बी लिखना है, कभी भी बीओ नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि परावर्तित किरण तो ऐसे ना आ रही है, ऐसे थोड़ी ना जा रही है, तो क्या लिखिएगा? ओ बी परावर्तित किरण है, ओ बी परावर्तित किरण है तथा ओ सी अविलंब है। इट इज क्लियर? बहुत अच्छा। उसके बाद लिखिएगा आप कोण ए ओ सी इज इक्वल टू आई, मतलब आपतन कोण, तथा कोण सी ओ एफ इज इक्वल टू कोण आर, इसको आप कहिएगा परावर्तन कोण। समझ आया? तो लिख सकते हैं आप, जैसे जैसे मैं बोला हूं एकदम स्लोली स्लोली बोला हूं, आप लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, अब हम प्रूफ प्रूफ की ओर चलते हैं। तो काम पहला लगाएंगे परावर्तन के नियम लगाएंगे, यहाँ पर परावर्तन के सेकंड नियम लिख देते हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा। परावर्तन के दूसरे नियम से क्या होता है, परावर्तन का दूसरा नियम क्या बताया हूं, बोलिए बोलिए। बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई कोण आर के बराबर है। तो कोण आई का नाम क्या है दोस्त? तो ए ओ सी है ना, तो लिखेंगे क्या? कोण ए ओ सी ऐसे लिखते हैं पहले, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, तो कोण आई का नाम क्या है? ए ओ सी है ना। बहुत अच्छा, तो कोण ए ओ सी, कोण आर कितना है ध्यान दीजिएगा, कोण सी ओ एफ, यानी कोण सी ओ एफ, यही ना है। तो आप ना इसको समीकरण एक कह दीजिए। अब आप समझिएगा ए ओ सी बराबर है ओ सी एफ के, तो ये क्या लिखेंगे? कोण ए ओ सी इज इक्वल टू कोण ओ, फिर बीच में सी रहेगा, जिसका नाम देना होता है उसको हम बीच में रखते हैं, फिर सी एफ, इसको समीकरण आप दो कह लीजिए। ठीक है, अब आप बात समझिए, अगर ये वाला दो भाग बराबर है तो क्या ये दो भाग बराबर नहीं हो सकता है? इजिली हो सकता है। तो क्या लिखेंगे? समीकरण एक एंड दो से, तो एक और दो से देखिए ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर होगा ना। बहुत अच्छा, तो कोण ओ सी एफ इसका नाम दे दीजिए समीकरण तीन। क्लियर है? बात समझ आ रही है? बहुत अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, यानी ये वाला कोण, कोण सी ओ एफ, सी ओ एफ, फिर देखिएगा ओ सी एफ, यानी कि ऐसे वाला सी ओ एफ, फिर देखिएगा ओ एफ सी, अगर यानी कि ये वाला सब आपस में बराबर है, तो ऐसे में कर रहा ना, यानी कि अब ध्यान समझिएगा, इस फिगर को आप देख सकते हैं, इस प्रॉपर्टीज के अनुसार ये वाला जो त्रिभुज होगा ना, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखेंगे इसलिए त्रिभुज सी ओ एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, देखिएगा ना। अब ध्यान से समझिएगा, जब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो इसकी दो भुजा बराबर होगी ना, तो देखिए सी एफ ओ एफ के बराबर हो जाएगा, अतः सी एफ दोस्त ओ एफ के इक्वल में हो जाएगा। इसको नाम दे दीजिए समीकरण चार। अब से हम ध्यान दीजिएगा, मैं बता देता हूं आपको, कल मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको दर्पण का द्वारक बताया था, याद होगा? किसको किसको याद है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो हमने बताया था जितना बड़ा दर्पण उतना ही बड़ा द्वारक, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये मान लें कि जो दर्पण का जो द्वारक है, मतलब दर्पण जो है ना इतना छोटा है, तो ऐसे में जो ये वाला होगा इसके नजदीक होगा, और छोटा दर्पण लेंगे, अगर हम और छोटा दर्पण ले लेते हैं तो द्वारक यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब कि ये दोस्त कि अगर ये बिंदु ओ इस यहाँ पर आ जाए, तो ऐसे में इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है तो ध्यान दीजिएगा, तो आप इतना कॉपी कर लिए होंगे मुझे उम्मीद है, तो हम इतना को मिटाते हैं दोस्त, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आगे। आप समझिएगा, दर्पण का द्वारक छोटा है, इस कारण से जो पी एफ होगा वो ओ एफ के बराबर होगा, इसलिए ओ एफ इज इक्वल टू पी एफ, इसको नाम दे दीजिए समीकरण चार के बाद पांच, क्या देते हैं? पांच, ठीक है, बहुत अच्छा। अब ध्यान दीजिए, चार और पांच में कंपेरिजन कीजिए, ओ एफ सी एफ के बराबर है और ओ एफ पी एफ के बराबर है, तो जब ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, एकदम होगा, बहुत अच्छा। तो लिखेंगे समीकरण चार एंड प,
पांच से क्या हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा जो सी एफ है वो पी एफ के बराबर हो जाएगा, यानी सी एफ इज इक्वल टू पी एफ। कितना समझ आया बात, बहुत अच्छा। इसको भी मिटाते हैं, आप कॉपी कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, इतनी बड़ी लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, कहने का मीनिंग क्या है ध्यान दीजिएगा। हम लिख सकते हैं, लिखेंगे हम लिख सकते हैं पी सी इज इक्वल टू, यानी इतना बड़ा लेंथ को हम लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी एफ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्यों, आप इतना बड़े हाथ को, इतना बड़े हाथ को दो भागों में से मोड़ सकते हैं ना, ऐसे इतना बड़ा हाथ है ऐसे दो भाग में मोड़ रहे हैं, तो सेम बात यही है। और दूसरी बात, ये दोनों का ज्वाइंट से ना इतना बना है, तो यहीं पर बात ये है कि पी एफ और सी एफ के ज्वाइंट से ना पी सी बना है, यानी पी सी इज इक्वल टू इतना हम लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, अभी समझ आने वाला है। तो देखिएगा पी सी इज इक्वल टू, देखिए सी एफ किसके बराबर है दोस्त, पी एफ के बराबर है, तो हम यहाँ पर पी एफ लिख सकते हैं सी एफ के बदले, और फिर पी एफ यहाँ पर क्या लिख देंगे, चूंकि सी एफ इज इक्वल टू पी एफ है ना यहाँ पर, बहुत अच्छा। और देखिएगा पी सी इज इक्वल टू पी एफ में पी एफ जोड़िएगा तो टू पी एफ, बहुत अच्छा। अब इसलिए लिखिएगा पी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, पी सी बाई टू। अब आप समझिए पी एफ की वैल्यू हमने कुछ माना है, शुरू में ही वो कहा था कि माना कि पी एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ, बात लिखवाए थे ना, बहुत अच्छा। तो इसके बदले हम एफ रख सकते हैं, फिर देखिए पी सी, पी सी हमने पुनः माना था, पुनः माना कि पी सी इज इक्वल टू आर, ये आर है ना, और बटा में क्या लिखा है दोस्त, टू। तो इस तरीके से जो हमें प्रूफ करना चाहिए था, हैंस हो गया हमारा प्रूव। तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं, मैं थोड़ा हटा हूं या मर्जी है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्त इस तरीके से हमने ना अवतल दर्पण में एफ इज इक्वल टू आर बाई टू को प्रूफ कर लिया, कितना इजी से किया आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो बस दोस्त आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 7 में हम उत्तल दर्पण से संबंधित, यानी उत्तल दर्पण में हम एफ इज इक्वल टू आर बाई टू को प्रूफ करना सीखेंगे। कैसे हम एफ इज इक्वल टू आर बाई टू उसमें पाएंगे, देखिए उसमें भी एकदम सेम कंडीशन होगा, उसमें भी कोई दोहराने कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, तो सेम बात होगा, बात समझ आया, सेम बात होगा, और हम आसानी से उसको भी प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ दोस्तों को शेयर करिए दीजिए, अभी कर दीजिए ना, फिर देखिएगा, क्योंकि साथे पढ़िएगा तो मजा आएगा ना फिर, तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।